कहीं जाने के लिए किसी छुट्टी का वेट करना, खुश होने के लिए लोगों के आगे पीछे घूमना, ज़्यादा पाने की चाहत रखना पर जितना मिला उतने में संतुष्ट होकर मन को मार लेना, ऐसा आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो किया होगा। कई बार हम बस अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं, या ये कह लो कि हमें पता ही नहीं होता कि हम अपना वक्त खराब कर रहे हैं या उसे सही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी ही बातें बताऊंगा जो अगर आप कर रहे हो तो भाई सच में आप अपना वक्त खराब कर रहे हो, जिसकी वजह से आप शायद थोड़ा अलोन अलोन भी फील करते हो। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक, और अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ वहाँ जुड़ जाओ। वहाँ मैं 1 मिनट थॉट, कुछ नई रील्स और बहुत सारे कॉट्स अपलोड करता रहता हूँ जो आपकी लाइफ और आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले है थोड़े में संतुष्ट होना। अब यार सोचो कि आपका मन तो है थोड़ा ज़्यादा पाने का, पर जब आपको वो नहीं मिला और उससे कम मिला तो आप बजाय थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने के उतने में ही संतुष्ट हो गए। अब जैसे एक आदमी था तो उसके ऑफिस में ऐसा था कि 2 मंथली एम्प्लॉई सिलेक्ट होते थे अच्छे काम के एप्रिसिएशन के लिए। तो जो पहले वाला था, मतलब जो फर्स्ट आता था, उसे कुछ गिफ्ट और कुछ पैसे मिलते थे, और सेकेंड वाले को बस एक छोटा सा गिफ्ट। अब इस आदमी को इस बार सिलेक्ट किया गया और ये आया सेकंड, इसे वो गिफ्ट मिल गया। पर जब इसने देखा कि फर्स्ट वाले को बड़े गिफ्ट और पैसे वगैरह मिले तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग जागी कि मैं भी वहाँ हो सकता था या मुझे भी मिलना चाहिए। पर साथ साथ ये भी जागा कि ये छोटा गिफ्ट मिला तो है, इतना ही बहुत है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये एफर्ट लगाकर फर्स्ट आ जाए, या अब ज़्यादा एफर्ट ना करे, जितना मिला उतना बहुत है। मगर इसने मेहनत की, इसने लगाया एफर्ट और अगले से अगले महीने ये फर्स्ट आ गया और इसे मिले वही बड़े गिफ्ट्स और पैसे। तो भाई बात तुम्हारे हाथों में होती है, तुम सेटिस्फाई हो और तुम्हें लगता है कि बहुत है तब तो ठीक है, पर अभी अगर थोड़ा और किया जा सकता है और तुम जानबूझकर नहीं कर रहे आलस की वजह से, या ज़्यादा काम करना पड़ेगा इसकी वजह से, तो तुम गलत कर रहे हो। इसके बाद है, अगर तुम्हारी सिर्फ सोशल मीडिया बेस्ट फ्रेंड है तो तुम रियल लाइफ इंजॉय नहीं कर रहे। वो होते हैं ना जो खाना बाद में खाते हैं, पहले उसकी पिक अपलोड करते हैं, वो वाला किस्सा थोड़ा ज़्यादा अलग हो जाता है। आप दोस्त बनाओ जिनसे रियल में आमने सामने भी बात हो सके, जो जेन्युइन हो, ये नहीं कि आज साथ हैं और कल छोड़ गए, ऐसा वाला किस्सा नहीं होना चाहिए। और सोशल मीडिया यूज़ ज़रूर करो, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो रियल दुनिया से आपको काट दे। इसके बाद है वो काम वो जॉब जिससे आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो। देखो यार, मन का काम ना करने से आधी जिंदगी डार्कनेस में गुजर जाती है। कई बंदों का सपना कुछ और होता है और वो नहीं बन पाते या छोड़ देते हैं तो दूसरे किसी काम में उनका मन नहीं लगता, वो काफ़ी उदास टूटा हुआ फील करते हैं। तो यार देखो, अगर आप नहीं बन पाए तो आपकी गलती नहीं है, आपने तो वो सब किया ना जो आपके हाथों में था, एफर्ट्स लगाए आपने, उसका जुनून अपने सिर पर रखा, अपना सब कुछ किया मगर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी आपको कुछ देना ही नहीं चाहती। ज़िंदगी हमेशा कुछ लौटाती है, वो छीनती नहीं। इसीलिए प्लीज़ अब जो काम कर रहे हो उससे दिल लगा लो, कुछ सालों में अपने आप आपकी ग्रोथ होने लगेगी। वरना कोई ना कोई काम ऐसा ढूंढो जिसे करके आप कम से कम ऐसा फील तो करो कि हाँ अब आप खुश हो। इसके बाद अगर आप अपनी लाइफ में, यहाँ तक कि कल के दिन का भी, कोई गोल कोई शेड्यूल बना कर नहीं चलते तो भाई आपकी लाइफ बड़ी अधूरी है यार। बिना टाइम सेट करे, बिना गोल सेट करे कहाँ किसी को कुछ मिलता है। अब आप पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो और वाकई में आपके पास पैसा आने लगे तो थोड़े टाइम तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, और वहीं आपने पहले से ही गोल सेट किया है तो वाकई में आप उस पैसे को बढ़िया जगह इन्वेस्ट करोगे। तो ये होता है गोल सेट करने से। इसके बाद सिर्फ छुट्टियों में जीना बंद कर दो। बंदे ये जो अपनी लाइफ ऐसे बिताते हैं ना कि हाँ संडे को देखेंगे, हाँ संडे को करेंगे ये, हाँ छुट्टी वाले दिन मिलेंगे, यार संडे आ गया है शुक्र है अब आराम से बैठेंगे, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ किसी ऐसे दिन की मोहताज नहीं होनी चाहिए कि आपको अब आराम मिलेगा। आप किसी कैद में नहीं हो कि आपको जमानत दी जाएगी तो आप खुश रहोगे। अपने आप को रोज को जीने वाला इंसान बनाओ। कहीं जाना है, थोड़ा बहुत घूमना है तो ऑफिस के बाद भी वक्त बिता सकते हो। ऑफिस के बाद 2-2.5 घंटे जो मिलते हैं उसमें घूमने निकल सकते हो। जो छुट्टी आपको मंथली मिलती है उसमें अपनों से मिलने जा सकते हो। मतलब भाई अगर आप सोच कर देखो और प्लान बनाओ तो वाकई रोज को बहुत बढ़िया तरीके से बिताया जा सकता है। आप बस एक बार इस बात पर गौर करना,
तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।